विश्व हिंदू युवा वाहिनी महानगर अध्यक्ष शांतनु दीक्षित एवं उनके माताजी की संस्था भगवती देवी सेवा शिक्षा प्रतिष्ठान करीब मुस्लिम परिवार की बिटिया की शादी में 50,000 का दहेज दिया। आज दिनांक 15 फरवरी 2018 भगवती देवी सेवा शिक्षा प्रतिष्ठान संस्थान के कार्यालय पर एक गरीब मुस्लिम परिवार की महिला की बेटी की शादी में हिंदू युवा वाहिनी महानगर अध्यक्ष शांतनु तिलकधारी एवं संस्था की संस्थापिका शिप्रा दीक्षित ने मिलकर 51,000 रुपए का दहेज का सामान भेंट किया। इस मुस्लिम परिवार की महिला की 4 लड़कियां हैं जिनके कमाने वाला कोई नहीं है। लड़कियों के पिता जब यह महिला संस्था के पास गए अपनी समस्या रखी तो संस्था की संस्थापिका शिप्रा दीक्षित एवं उनके पुत्र हिंदू युवा वाहिनी महानगर अध्यक्ष शांतनु दीक्षित ने यह निर्णय लिया, उनकी शादी में दहेज का सारा सामान हम देंगे। एक तरफ हिंदू युवा वाहिनी योगी जी का संगठन है जिनकी गिनती कट्टरवादी संगठनों में की जाती है। महानगर अध्यक्ष ने यह कार्य कर विरोधियों के मुंह की बोलती बंद की। वह माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास ही उनका लक्ष्य है, यही लक्ष्य को सोचते हुए संगठन आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी और योगी जी का सपना पूर्ण करेंगे। पोती के जन्म के उत्सव पर मैंने कोई फंक्शन ना करके आज अपने विद्यालय में की ओर से विद्यालय के कर्मचारी जो हैं, इनके 4 बेटे हैं, उन हैरून जिनका नाम है, जेवा की शादी में सारा फर्नीचर दिया है। डबल बेड है, डिनर टेबल, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और कूलर, ये सब हम लोगों ने अपना कलेक्ट करके दिया विद्यालय से, जिससे कि कम से कम फंक्शन में हम लोग खर्च करते हैं उसकी जगह कम से कम किसी गरीब बेटी के पीछे का तो याद रहेगा।